हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का लेक्चर 10 है और आज हम पॉइंटिंग वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले कुछ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। हमको सबको पता है कि लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी फ्लो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वैक्टर ई एंड एच, इनके ऊपर वैक्टर बना लिया, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ई और एच जो है आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये ई है तो ये एच होगा और इस डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर। और ई और एच भी आपको पता है, ये ई अगर मूव कर रहा है और इधर हम इसको ऐसे एच का बना देते हैं, ठीक है, ये वेव्स मूव कर रही हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई एंड एच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दिस शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज एक्सप्रेस बाय पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू ई क्रॉस एच होता है। उसके अलावा द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हम यू ई से डिनोट करते हैं। यू ई होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी यू एच होती है और ये होती है हाफ म्यू नॉट एच स्क्वेयर। और क्या कह रहे हैं हम कि ये दोनों बराबर होती हैं, तो यू ई इक्वल टू यू एच होता है, तो दोनों को बराबर रख लेंगे। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एच स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो ई अपॉन ऑन एच इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट की जगह हम रख सकते हैं 4 पाई -10^-7 हेनरी पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 -10^-12 फर्मी पर मीटर। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ई अपॉन एच की वैल्यू आ जाएगी और ई अपॉन एच की जो वैल्यू आती है 376, या हम उसको 376 पॉइंट समथिंग आती है, या तो वो ले लीजिए या राउंड ऑफ करके 377 ओम। तो ये हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर का तो ये हम यूज करते हैं कि ये ई अपॉन एच की वैल्यू 377 ओम या 376 पॉइंट, जो आपकी कैलकुलेशन है उसको याद रख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 100 वॉट सोडियम लैम्प रेडिएटिंग इट्स पावर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द लैम्प। इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन जो होता है, जो हमारा लैम्प है उसकी वॉट पावर चेंज होती है या ये डिस्टेंस चेंज होती है, अदरवाइज सेम ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं, क्या कहेंगे कि जो हमारा लैम्प है वो पॉइंट सोर्स है। लेट अ लैम्प इज अ पॉइंट सोर्स एंड द टोटल फ्लक्स ओवर अ स्पेयर ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन अराउंड। अगर हमने लैम्प रखा उसके चारों तरफ क्या करेंगे, जो लैम्प है पॉइंट चार्ज की तरह मान रहे हैं हम उसको, तो जो लाइट उससे रेडिएट होगी वो स्पैरिकल पाथ में, तो एक स्पेयर बन जाएगा, 5 मीटर रेडियस का एक स्पेयर बन जाएगा और लैम्प उसके सेंटर में होगा, उसकी जो सरफेस एरिया है स्पेयर का उस पे कितना फ्लक्स फॉल होगा। द एरिया ऑन विच एनर्जी फ्लक्स फॉल इज 4 पाई r स्क्वायर। तो स्पेयर का जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। r है 5 मीटर, तो r की जगह 5 रखा तो ये 100 पाई आ गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल कर आ गया, कितने एरिया पे फ्लक्स फॉल हो रहा है। द एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स कितना फॉल होगा 100 वॉट के बल्ब से, 100 वॉट। एरिया कितना है 100 पाई, तो वैल्यू रख देंगे, फ्लक्स है 100, एरिया है 100 पाई, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 1/π वॉट पर मीटर स्क्वायर जो फ्लक्स है वो फॉल हो रहा है उस सरफेस पे।
अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्लक्स आ गया जो स्पेयर की सरफेस पे आ रहा है। अब हमें ये पता लग गया फ्लक्स कितना फॉल हो रहा है पर सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग वेक्टर डेफिनेशन, द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ड्यूरिंग प्रोपोगेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एस पॉइंटिंग वेक्टर, और एस होता है ई क्रॉस एच। हम जानते हैं ई और एच आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो ई क्रॉस एच हो जाएगा ई एच साइन थीटा और ई एच, और ये वैल्यू आ रही है हमारी 1/π वॉट पर मीटर स्क्वेयर। इक्वेशन 1, ई एच की वैल्यू आ गई। फिर अभी हमने बताया वी नो ई अपॉन एच की वैल्यू हमने अभी 377 कैलकुलेट की है, चाहे उस, और अगर आपकी 376 आ रही है तो 376 ले लीजिएगा, जो वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओम, ये इक्वेशन 2 था। तो इक्वेशन 1 से क्या करिए, ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ई हो जाएगा 1/πh, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/πh² इक्वल टू 376.6। इसको सॉल्व करेंगे तो h आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.0286 एम्पियर टर्न पर मीटर। तो h की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिएगा तो e आ जाएगा आपका, e कैलकुलेट होकर आएगा 10.78 वोल्ट पर मीटर। तो ये आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अर्थ रिसीव 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर सोलर एनर्जी, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडिएशन। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 कैलोरी में दे दिया है, तो इस कैलोरी को आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, और मिनट है तो सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट पर सेकेंड ड्यूरिंग प्रोपोगेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंटिंग वेक्टर एस, एंड एस इक्वल टू ई क्रॉस एच और ई एच साइन थीटा। जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया इस मोड ले लेते हैं इसका, इक्वल टू दे रखा है 2 कैलोरी मिनट सेंटीमीटर, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 2 × 4.2 कैलोरी को जूल में चेंज किया, और 10^4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, और टाइम मिनट को 6 सेकेंड्स में चेंज किया, ये आ जाएगा जूल पर मीटर पर सेकेंड, जूल जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एस यानी कि ई क्रॉस एच की वैल्यू, ई क्रॉस एच इक्वल टू 1440 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 है, वी नो ई अपॉन एच, हमने 376 से किया है तो 376 से करना चाहेंगे 6, ये वाला मैं तुम्हें 77 से करके दिखा देती हूँ, पर ध्यान रखिए कोई एक वैल्यू ध्यान याद रखिएगा, उससे ही करना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आंसर मैच हो जाएगा 377 इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे 726.49 वोल्ट पर मीटर, एच आ जाएगा 1.927 एम्पियर टर्न पर मीटर।
एम्पलीट्यूड ई नॉट हो जाएगा, ई रूट टू, और एच नॉट हो जाएगा एच रूट टू। तो ई नॉट की वैल्यू आएगी 1026.8, एच नॉट की वैल्यू आएगी 2.728। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एट द सरफेस ऑफ सन गिवन दैट द पावर रेडिएटेड बाय सन इज 3.18 × 10^26 वॉट एंड द रेडियस ऑफ सन इज 7 × 10^8 मीटर। तो हिंट दे रही हूँ और आंसर बता रही हूँ इसका। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एस, इट इज द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। एस क्या है? पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया। एंड द सर्फेस एरिया ऑफ सन स्पेरिकल सर्फेस में होता है तो 4πr². आर क्या है? रेडियस है सन की। तो पॉइंटिंग वेक्टर एस एक तरीके से क्या हो जाएगा? पावर अपॉन एरिया 4πr², पावर दिया है 3.8 × 10^26, 4π इंटू रेडियस 7 × 10^8 स्क्वेयर। सॉल्व करिएगा आपका एस आ जाएगा 6.175 × 10^7 वॉट पर मीटर स्क्वेयर। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। इफ द अपर एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ रिसीव 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी फ्रॉम द सन, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द लेयर। सेकंड क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट ऑल द 100 वॉट सोडियम लैम्प रेडिएटेड यूनिफॉर्मली, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रेडिएशन एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लैम्प। तो इन क्वेश्चन को खुद करिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।